फिर शाम को उन्होंने अलर्ट कर दिया कि सायरन बजेंगे, दूसरा सायरन बजते ही भागना है बंकर्स में। मुझे याद है जब हम एटीएम पैसे निकलवाने गए थे, दोबारा से फिर बम ब्लास्ट हुआ था, वो सेकंड बम ब्लास्ट था। तो वहाँ पे लगातार 3-4 बम ब्लास्ट हुए, हम वहाँ से डर के भागे पर हम घर नहीं गए, दूसरी जगह पैसे निकलवाने गए, फिर वहाँ भी बम ब्लास्ट हुए, फिर डर के मारे हम वो दुकान में ही घुस गए, सबके साथ दूध वगैरह वगैरह था, सब कुछ खाने लगे ही थे, इतने में ही बम ब्लास्ट भी हुआ था और अलर्ट वगैरह आ गया था। फिर हम वहाँ से भागे हैं सीधा बंकर में। फ्लोर पे लिफ्ट बंद कर दी थी, लाइट्स ऑफ हो गई थी, मतलब बिल्डिंग की सारे लाइट्स वगैरह बंद हो गई थी। और अब तुम बिल्डिंग में रात में भी जा रहे हो तो तुम लाइट मत ऑन करो। कीप में बम ब्लास्ट ऑलरेडी हो रखे थे, एयरपोर्ट उड़ा दिया था, माहौल गंदा हो गया था। इधर साइड पे ये हो रहा था कि ये लोग हमें नहीं पता लग रहा था कि हम कब तक यहाँ रहेंगे। फिर जो खाना था, हम एक एक चिप्स का पैकेट होता था, एक चिप्स खाते थे, 2 घूंट पानी पीते थे, खाना भी ज़्यादा नहीं खा पाते थे क्योंकि वही होता था कि फ्रेश तो हो नहीं पाएंगे। रोते भी थे, माहौल थोड़ा हल्का भी कर रखा था क्योंकि वही बात है, टेंशन लेने से कुछ नहीं होना था, वहाँ बैठ के ना घर वाले कुछ कर सकते थे ना हम। कुछ भी भूल जाऊंगी लाइफ में, ये चीज़ तो मैं भूलने पे भी नहीं भूल पाऊंगी ना। लास्ट ईयर था, सब सोच रहे थे इंजॉय करेंगे, मेमोरीज बनाएंगे, हम बना भी रहे थे मेमोरीज। किसी को नहीं पता था कि जो चीज़ें मतलब एकदम ऐसे बाहर आएंगी कि मतलब पता ही नहीं था कि मतलब कौन सोचता है। हम प्रे करते हैं ना लोगों के लिए, अफगानिस्तान में चीज़ें हुई थी, हम प्रे करते हैं, हमें नहीं पता था, हम लोग मैं तो लाइफ में नहीं सोचता था कि मैं ऐसी चीज़ में फंसूंगी कभी। सत श्री अकाल जी सारे नूं, स्क्रोल पंजाब दे नाल जुड़े हो तुसीं, मैं हाँ सौरव अरोड़ा। यूक्रेन ते रूस की लड़ाई चल रही सी, जंग चल रही सी, उहदे विच जिहड़े बच्चे बुरी तरह फस चुके सी, ते अज लुधियाणा दे विच डाबा रोड दे विच पहुंचे हाँ, ते जिथे कोशिका जिहड़ा कि उत्थों यूक्रेन तो पढ़न गई सी, स्टडी बेस ते गई सी, वह लुधियाणा पहुँच चुकी है, गलबात करांगे। कोशिका उत्थे 8 तो 9 दिन रहे, किद्दां दा माहौल लग्गिया उत्थे? काफ़ी कहिंदे कि माहौल है खराब हो गया सी, गोलियां बहुत चल रहीआं सी, तोपां गोले चलदे पए सी। हाँ जी, पहले तो लाइक जैसे 23 तक तो माहौल बड़ा अच्छा था, इवन लाइक हम लोग 14-15 फेब को घूमने भी गए थे दोस्तों के साथ, कुछ भी नहीं था, हमें ये था कि वॉर वाला माहौल हो रहा है, पर हमारा यूनिवर्सिटी का माहौल बहुत बढ़िया था, सब कुछ सही था। 23 को सब कुछ सही था, मैं आराम से रात को खा पी के खाना पीना खा के सो गई थी उस दिन, पता नहीं लकीली जल्दी सोई थी, आगे पीछे हम लेट सोते होते हैं। एकदम से 5 बजे सोई थी ना, तो हार्ट बीट फास्ट होगी, ऐसा लगा जैसे सपने में हूँ, बम बजा, वाइब्रेशन हुई, साथ के रोने लग गए थे, मुझे लगा किसी के घर में कुछ हुआ है। बम बजा तो थोड़ा सा माहौल बड़ा गंदा हो गया, मेरी रूममेट पीछे से गेट खड़काने आई, 5 बज रहे थे, तो हमें तब फीलिंग हुई कि मतलब बड़ा गंदा माहौल हो गया, पता नहीं क्या होगा। उस दिन हमें ये भी लगा कि शायद सरकार आ जाएगी, अब हमें इंडियन गवर्नमेंट आएगी बचाने, तो डरने की बात नहीं है, हम लोग बस वही प्रे करने लग गए उसी टाइम भगवान से। मैं और मेरी रूममेट थे, हमने फ्लैट बालकनी से देखा तो धुआं उड़ा हुआ था बम ब्लास्ट का, वीडियोस आई, बच्चों के मैसेजेस ग्रुप में आने लग गए, सबको आवाज़ सुनाई दिया, वो इतनी तेज़ बजा था बम कि खार्किव में सबको सुनाई दी थी। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ से बॉर्डर 40 किलोमीटर दूर है, वहाँ से हम लोग जा सकते हैं अगर हम जाएँ, बट मतलब बहुत गंदा माहौल हो गया था। फिर घर पे बात नहीं की मैंने, टेंट डर के मारे भैया को बताया कि भैया यहाँ पे ऐसे ऐसे हो गया है, पर मम्मी पापा को मत बताना क्योंकि पता नहीं था कि क्या माहौल है, क्या होने आगे। फिर बस वही भाग के गए हैं पैसे निकलवाने के लिए, वहाँ लंबी लाइनें लगी हुई थी, जहाँ भी जा रहे थे वहाँ लंबी लंबी लाइनें हो रखी थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करेंगे आगे, कैसे होगा। फिर शाम को उन्होंने अलर्ट कर दिया कि सायरन बजेंगे, दूसरा सायरन बजते ही भागना है बंकर्स में। तो सरकारी बंकर्स थे जो कि मेट्रो को इन्होंने सरकारी बंकर्स का नाम दे रखा था, बाकी बिल्डिंग्स के नीचे भी बंकर थे पर वो सेफ नहीं थे क्योंकि ये नहीं पता था कि क्या होगा। मुझे याद है जब हम एटीएम पैसे निकलवाने गए थे, दोबारा से फिर बम ब्लास्ट हुआ था, वो सेकंड बम ब्लास्ट था। तो वहाँ पे लगातार 3-4 बम ब्लास्ट हुए, हम वहाँ से डर के भागे पर हम घर नहीं गए क्योंकि पहला एक्सपीरियंस हो गया था। फिर हम दूसरी जगह पैसे निकलवाने गए, फिर वहाँ भी बम ब्लास्ट हुए, फिर डर के मारे हम वो दुकान में ही घुस गए सबके सब।
मेरी किस्मत अच्छी थी या जो भी मर्जी बोलो, हम लोग वहाँ पे एटीएम था, वहाँ से पैसे निकलवाए, वही पैसे थे मेरे पास जिसके थ्रू मैं आज यहाँ तक आई हूँ। तो उसके बाद हमने सामान लिया, चिप्स वगैरह जो घर वालों ने कहा था कि सामान रख लेना, पैकिंग फूड, पैक्ड फूड जो था वो लिया हम लोगों ने। फिर हम घर गए हैं, दूध वगैरह वगैरह था, सब कुछ खाने लगे ही थे, इतने में ही बम ब्लास्ट भी हुआ था और अलर्ट वगैरह आ गया था। फिर हम वहाँ से भाग गए हैं सीधा बंकर में। पहला दिन था, हमें तो आइडिया ही नहीं था, यूक्रेनियन सब चादर वगैरह लेके आए थे, हम लोग ऐसे ही थे, मतलब जैसे थे उन्हीं कपड़ों में भाग के आ गए डर के मारे। फिर रात वहीं निकाली है, तो हमें उन्होंने 7 बजे के आसपास भेज दिया था वापस कि जाके अपने घर से सामान वगैरह लेके आ सकते हो। नहीं, उस 24 तारीख की बात है। फिर हम लोग 12th फ्लोर पे रहते थे, मुझे याद है 12th फ्लोर पे लिफ्ट बंद कर दी थी, लाइट्स ऑफ हो गई थी, मतलब बिल्डिंग के सारे लाइट्स वगैरह बंद हो गई थी। और अब तुम बिल्डिंग में रात में भी जा रहे हो तो तुम लाइट मत ऑन करो, क्योंकि पता नहीं था ना कि कब कुछ हो जाए। बस यही माहौल था, बड़ा गंदा माहौल था, बस रातें काटी हैं वहाँ पे। खाने का तो शुद्ध बुद्धि नहीं होती थी, पानी तक नहीं पीने सीगा, एक चॉकलेट सी चार चार जने खाते सी, ओदे नाल गुजारा हुंदा सी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, खाने का वही हमारे पास, हमें ये नहीं पता था हमने कितने दिन रहना है। एक टाइम पे हमें अभी ऐसी ये फीलिंग आ गई थी कि अभी हमें कोई यहाँ बचाने नहीं आएगा, हमें जो भी करना है खुद करना पड़ेगा, क्योंकि हम एकदम बॉर्डर के पास थे। खारकी जो है वो एकदम वो है ईस्ट साइड, सरकार लोगों को निकाल रही थी पर वो वेस्ट साइड से निकाल रहे थे। वेस्ट साइड पे कुछ नहीं हो रहा था, कीव में बम ब्लास्ट ऑलरेडी हो रखे थे, एयरपोर्ट उड़ा दिया था, माहौल गंदा हो गया था। इधर साइड पे ये हो रहा था कि ये लोग हमें नहीं पता लग रहा था कि हम कब तक यहाँ रहेंगे। फिर जो खाना था, हम एक एक चिप्स का पैकेट होता था, एक चिप्स खाते थे, 2 घूंट पानी पीते थे, खाना भी ज़्यादा नहीं खा पाते थे क्योंकि वही होता था कि फ्रेश तो हो नहीं पाएंगे। चीज़ें वही हो रही थी घूम फिर के कि बस अपना सब साथ थे, यही एक वो था कि सब साथ थे। दोस्त सारे नाल सी, पढ़ते हो सारे, एक दूजे नूं हौसला दिंदे सी कि कुछ नहीं हो सकता, पर अंदर जिहड़ा डर है वह बनिया होया सी। हाँ जी बिल्कुल, सब साथ में होते थे, रोते भी थे, माहौल थोड़ा हल्का भी कर रखा था, क्योंकि वही बात है टेंशन लेने से कुछ नहीं होना था वहाँ बैठ के, ना घर वाले कुछ कर सकते थे ना हम सिर्फ यही बैठे थे कि सरकार कुछ करेगी, सब अच्छा होगा। बहुत सारे लोग, बहुत बच्चे, मेरे दोस्त सारी फंस रखे थे। मेरी क्लास में 12 बच्चे हैं, हम 12 में से 2 बच्चे विंटर वेकेशन में घर आ गए थे, हम 10 जने ऐसे थे जो वहीं पे थे। 10 में से हम 9 लोग सेफली आ गए हैं, एक जना अभी भी मेरा फ्रेंड है जो वहीं पे है, मतलब अब वो आगे निकल गया खारकिव से, पर बस अब वो वहाँ से निकल जाए, प्रे करूँगी मैं तो वही कि मैं यहाँ आई हूँ तो मैं अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स जिन्होंने मेरे लिए प्रे करी, सब ने मेरे जिन्होंने भी मेरे लिए प्रे की उन्हीं की वजह से मैं आई हूँ। और हाँ, मैं बॉर्डर तक खुद गई थी, मैं ये चीज़, हम सब थे, हम साथ गए हैं जो भी बच्चे थे, बॉर्डर से हंगरी से इंडिया जाना, सरकार ने हमारी बहुत हेल्प की, थैंक यू, मतलब जो भी थे इंडियन सरकार ने बहुत हेल्प करी, मोदी जी ने बहुत हेल्प करी, सब कुछ जो था उस चीज़ का तो मैं धन्यवाद करूँगी। अगर सरकार ना करती तो हम शायद, बहुत सारे वहाँ के पाकिस्तानी जैसे बच्चे हैं, सब लोग फंसे हुए हैं, हम लोग आराम से निकल आए जस्ट बिकॉज कि हमारी सरकार ने हमारी मदद की। जिहड़ा तुसीं इदां दा मंदर देखिया, उत्थे खूनी जंग हो रही सी, ये जिहड़ी चीज़ां देखी, अपनी अखी चीज़ां देखी, जिदा आपां टीवी च देखदे हुंदे आ फिल्मां च, उदां दा सीन हो गया सी, उत्ते सामने बंदे मार रहे सी, तोपां चलदियां सी, गोले चलदे सीगे, ये जिहड़ी चीज़ तुसीं देखी, इहनूं जिंदगी च कदी भुल सकोगे? ये तो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, मैं कुछ भी भूल जाऊंगी लाइफ में, ये चीज़ तो मैं भूलने पे भी नहीं भूल पाऊंगी ना। ये तो एक मेरा वो जैसे था ना कि कॉलेज लाइफ जीने गई थी मैं यूक्रेन में, मेरी पूरी कॉलेज लाइफ फर्स्ट ईयर से स्टार्ट किया था, कि मैंने नहीं सोचा था लाइफ में कि मैं 6th ईयर आते आते ऐसा होगा। लास्ट ईयर था, सब सोच रहे थे इंजॉय करेंगे, मेमोरीज बनाएंगे, हम बना भी रहे थे मेमोरीज, किसी को नहीं पता था कि जो चीज़ें मतलब एकदम ऐसे बाहर आएंगी कि मतलब पता ही नहीं था कि मतलब कौन सोचता है। हम प्रे करते हैं ना लोगों के लिए, अफगानिस्तान में चीज़ें हुई थी, हम प्रे करते हैं, हमें नहीं पता था, हम लोग, मैं तो लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं ऐसी चीज़ में फंसूंगी कभी। मैं अपने आप को बड़ा लकी मानती थी कि मेरे साथ ऐसी चीज़ें हमारे साथ कहाँ होएंगी।
हम तो इंजॉय करते थे, जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही थी, ये चीज मेरे साथ मरते दम तक रहेगी। जिदा देखते हैं कि उस दिन जिस दिन हमला होया उस तो एक दिन पहले रात जी गल करिए उस रात की नींद तो उस दिन तो बाद चैन की नींद कदों आई थोनों उस तो बाद? मेरे को नींद मुझे तो कल रात को आई है, मैं तो सोई नहीं ना, हम कोई भी नहीं सो पाए। सोना तो सोना, खाना पीना, ये तो सब जब जान पे आती है तो ये चीज़ें कहाँ याद रहती हैं। मुझे तो कुछ भी नहीं याद, मैं सोई नहीं, कुछ भी नहीं किया मैंने, सब भूल गई थी मैं। मेरे को सिर्फ दिमाग में मेरे मम्मी पापा थे कि उन वो टेंशन ना ले, मेरे को था मैं बचूंगी। डर मुझे उस टाइम लगा था जब एक बच्चे का हमने सुना था कि जिस दिन हम निकले उस दिन जो बम ब्लास्ट हुआ था उसमें इंडियन बच्चा मरा था, उससे मैं बहुत डर गई थी। वो वाला माहौल गंदा था, उसमें मुझे लगा था पता नहीं क्या होगा, मैं बचूंगी कि नहीं, उस एक टाइम पे लगा था। पर मैंने फिर मुझे था कि भगवान जी रक्षा करेंगे सबकी, हम सब निकलेंगे। और हम सारे फोन करते सी, घरे मैसेज भेजते रहते कि तुसी मम्मा टेंशन ना लो, पापा टेंशन ना लो, मैं खा लिया, मैं सो लिया। ये टेंशन ना लैके किया जाता कि बाकी कुछ खाते सोते? सिर्फ तसल्ली देने के लिए मैंने कुछ नहीं खाया था, मैं सिर्फ 2 चम्मच खाती थी, पेट भर जाता था, वही खा के लगता था खा लिया बहुत। तसल्ली दे, झूठ बोलना पड़ता है क्योंकि घर वालों को होना चाहिए हमारा बच्चा। मैंने वहाँ पे, अब मैं बोल रही हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया था, हम लोग कुछ नहीं, चिप्स खाते थे, वो भी बेमन से खाते थे जो भी था। बस मेरे को, मुझे याद ही नहीं करनी वो चीज़ें, वो इतनी हॉन्टेड थी कहीं ना कहीं, मतलब। पर यहाँ मतलब एक दिन हमें मिला था खाना, जो हमारे जो जिनके थ्रू हम आए थे, हरदीप सर हैं, उनका नाम हरदीप है, वो अभी भी वहीं पे हैं बच्चों के साथ। उन्होंने वहाँ मेस के थ्रू सोयाबीन की सब्जी और रोटी वगैरह पहुँचवाई थी, वो भी हम लोगों ने, सिर्फ एक दिन हुई थी वो चीज़ क्योंकि थोड़ा माहौल ठीक हुआ था। 26 तारीख की बात है, उस दिन हमने वही खाना खाया, वही चावल मेरे को याद है 2 चम्मच खाए थे बस। घर पहुंचे, मैंने पता लग गया घर पहुंच के पहले कहते रोए बहुत सी, मन भरिया होया सी उत्थे इन लेके, घर पहुंच के किन्नी को खुशी मिली घर पहुंच के? पहले तो रोई नहीं थी मैं वहाँ, जब तक मेरी जर्नी नहीं कंप्लीट हुई थी। मैं एयरपोर्ट पे भी घर वालों को देख के फीलिंग लेस, पता नहीं फीलिंग लेस बोलो या जो मर्जी बोलो, दिमाग में कुछ था नहीं। फिर जब घर आई हूँ तो खाना वगैरह खा के याद आया कि वहाँ पे कुछ खाते ही नहीं होते थे, कुछ होता ही नहीं था, फिर वो थोड़ा ब्रेक डाउन सा हो गया, रोई हूँ, जो भी था सब कुछ निकला मेरा थोड़ा सा, घर वाले साथ थे तो मैं खुश हूँ बस। ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਮੰਮਾ ਦੀ ਆਈ ਕਿ ਪਾਪਾ ਦੀ ਆਈ ਕਿ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਆਈ? ਕਿਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ? ਸਭ ਕੋ ਇੱਕ ਸਾਥ ਯਾਦ ਕਰਾਂ, ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਬ੍ਰਦਰ ਭਈਆ ਭਾਬੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸਭ ਕੋ ਮੈਨੇ ਯਾਦ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੋ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੰਮੀ ਕੋ ਯਾਦ ਕਰੂੰਗੀ ਜਾਂ ਪਾਪਾ ਕੋ, ਬਰਾਬਰ ਯਾਦ ਕਰਾਂ। ਸਮਾਈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫੇਸ ਤੇ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਈਲ ਆਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਮਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਈਲ ਇਸ ਫੇਸ ਤੇ ਆ? बस वही कल परसों से ही है स्माइल। तो खुशी तो तभी हो गई थी जब बाहर आ गई यूक्रेन से, तभी मैं खुश हो गई थी, अंदर से तो हो गया अब जिंदा बच जाऊंगी, जान मेरी बच गई है, तब से ही बस मेरे को ये था कि हाँ स्माइल तब से ही है मेरे। तो लग रहा सीगा कि मैं घरे पहुंच सकती हूँ, क्योंकि कहते ना उत्थे हालात इदा दे सीगे, किसी ने विश्वास नहीं सीगा कि असी घर पहुंच जावांगे, कि हुण पहुंचना है कि नहीं पहुंचना, उस परमात्मा दे छड़ दिता गया सी कि जो होगा देखी जाऊगी। लग रहा सीगा, विश्वास सीगा अपने आप ते कि मैं पहुंच जाऊंगी? हाँ जी, अपने आप ही मेरे को विश्वास था, मुझे पता था मैंने और भी बहुत कुछ देखना है अभी लाइफ में, तो यहाँ तो मेरा एंड नहीं होने वाला, मैं यहाँ से जाऊंगी वापस, मुझे पता था। गल की जाए अगले का फ्यूचर का की है, क्योंकि उत्थे दा सब कुछ हो गया, हुण पढ़ाई किद्दां अगे चलूगी? फ्यूचर के लिए मेरे को बस फिर से मैं यही बोलूँगी, रिक्वेस्ट है प्लीज़, हम लास्ट ईयर के स्टूडेंट थे, हम लोग तो पेपर की तैयारी कर रहे थे कि पेपर होगा, इजी सा पेपर होता है, हमें हमारा पेपर होता है, फिर हमें यहाँ इंडिया में आके एग्ज़ाम देना होता है, फिर हम लाइक रजिस्टर्ड डॉक्टर हो जाते हैं। अब मुझे सिर्फ सरकार से यही वो है कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, हम लोगों को एक
प्रॉपर वो गाइडेंस के थ्रू, या तो हमें आप डिग्री, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी डिग्री आनी चाहिए, हमने वहाँ पे फीस वगैरह सब कुछ करवा दिया है। सिर्फ 2 महीने रह गए थे मेरी स्टडी कंप्लीट होने के, गिन के 2 महीने। अगर मैं आज हो जाता, मैंने मई में फ्री हो जाना था, मेरे को कोई प्रॉब्लम ना होती, कोई टेंशन ना होती। पर वही दर्द इसी चीज़ का है कि 5 साल कंप्लीट हो गए, 6वां साल का सिर्फ लास्ट सेमेस्टर आ गया था, आते आते ये चीज़ हमारी यहाँ आके अटक गई है। मैं वापस नहीं जाना चाहती उस जगह पे, मेरे को अब वो जगह पता नहीं क्यों, यादें भी हैं वहाँ पे, पर हॉन्ट भी वहीं से स्टार्ट, हॉन्टिंग भी वहीं पे हुई थी, स्टार्टिंग सब कुछ वहीं हुआ था। मुझे बस इतना है कि मुझे डिग्री चाहिए मेरी, ताकि मेरा फ्यूचर बीच में अब अटके ना, मैं यहाँ आके नहीं अटकना चाहती। जो तो ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਿਸਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਐਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਲਾ ਹਾਦਸਾ ਜਿਹੜਾ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਜੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਥੀ ਕਿ ਜਬ ਹਮ ਟ੍ਰੇਨ ਪਹੁੰਚੇ ਥੇ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੇ ਪਹੁੰਚੇ ਥੇ, ਵਹਾਂ ਪੇ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਮਾਹੌਲ ਥਾ, ਵਹਾਂ ਉਨ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਡਰਾਇਆ ਹੁਆ ਥਾ, ਪਰ ਵੋ ਲੋਗ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਲੜਕੀਓਂ ਕੋ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਥੇ ਕਿ ਆਪ ਚੜੋ ਧੱਕਾ, ਪਰ ਵੋ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਕੋ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਥੇ, ਹਮੇ ਉਨ ਲੋਗੋਂ ਨੇ हमें उन्होंने पीछे ही रखा है कि इनको नहीं जाने देना पहले, पर हमारी किस्मत थी, हम वहाँ तक गए हैं, धक्का मुक्का खाते गए हैं, धक्के भी लगे हैं, इंडियंस भी थे, यूक्रेनियंस भी थे, धक्के तो मार ही रहे थे, पर हम निकले हैं वहाँ से। बड़ा गंदा माहौल था, वो माहौल था गंदा। वहीं पे मैं थोड़ा रोई भी थी कि मुझे लगा था मैं नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि मेरी फ्रेंड अंदर चली गई थी और मैं बाहर रह गई थी। बस भगवान की कृपा थी, जो भी था, एक लेडी थी अपने बच्चे के साथ, उसी के साथ मैंने हाथ जोड़ जोड़ के रो रो के मैंने बोला प्लीज़ मुझे जाने दो, जाने दो, उनकी लैंग्वेज में बोला मैंने कि मुझे जाने दो, उन्होंने मुझे एंट्री करने दी, पहुंच गई। ਬੰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲ ਕੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਸਾਲ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਮਾਂ ਰਹਿਤੇ ਕੋ ਕੁਛ ਸਮਝ ਆਤਾ ਤਾਂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਆ ਬੋਲਣਾ, हम लोगों को पहले लोकल ये रशियन में बात करते थे, फिर रशिया से इनका पंगा चढ़ा था, इन्होंने अपनी यूक्रेनियन स्टार्ट करी थी, तो वहाँ के जो लोकल लोग थे ना, उन्हें थोड़ी इंग्लिश आती थी, तो लोकल लोग वहाँ पे अच्छे थे, मैं ये नहीं बोलूँगी, क्योंकि कई बुरे भी होते हैं, वो हर जगह होते हैं, तो वो लोग अच्छे थे, उन्होंने कुछ ना कुछ हेल्प करते थे, ट्रांसलेट कर देते थे। वहाँ पे ज़्यादातर अनाउंसमेंट यही होती थी कि कर्फ्यू टाइम रुक चुका है, तो आप घर जा सकते हो, सामान लेने जा सकते हो या खा पी के आ सकते हो, तो वो हमें 1 घंटा मिलता था फ्रेश होने का, उसमें अगर तुम रह गए बाहर तो तुम्हारी किस्मत ख़राब, और तुम अंदर आ गए तुम्हारी किस्मत, तुम बच गए, तुम बंकर में आ गए। कई बच्चे इस डर तो जानते ही नहीं होने कि कितने लेट हो गए, वापस अंदर जा सकेंगे कि नहीं जा सकेंगे, कुछ बच्चे ये होने के जानते ही नहीं होने फिर। हाँ जी हाँ जी, मैं उन्हीं में से, मेरे साथ एक बार ऐसे ही हुआ था, इन्होंने 1/2 घंटा दिया था, तो हम लोगों ने फिर एक मेरा फ्रेंड, इंडियन फ्रेंड था जो, जिसका घर 2 मिनट की दूरी पे था, हमने उसको बोला प्लीज़ चल पड़ साथ में, क्योंकि हमें फ्रेश वगैरह होना था, हम लोग वॉशरूम्स वहाँ के यूज़ नहीं करते थे, बड़ा बुरा हाल था, बहुत गंदा सिस्टम था उन लोगों का, नहीं था वहाँ पे सेटिंग, साफ़ सुथरा नहीं था। फिर हम गए हैं कैसे तैसे करके, रिस्क लेके गए हैं, 10 मिनट में वापस आ गए, बस यही होता था, नहीं जा पाते थे अपने घरों में। यूक्रेन तो जिहड़ी कुड़ी है वह पहुंची है डाबा लुधियाणा की, असी गल कर रहे हैं, उत्थे दा खौफनाक मंजर देखिया, पर अज अपने घर दे विच खुशी है, समाइलिंग फेस है, क्योंकि जो उत्थे दे माहौल इदा दे देखिया, तो ये भी नहीं सीगा पता कि असी घरे पहुंचांगे जां नहीं पहुंचांगे, पर अपनी फैमिली दे विच पहुंच चुकी है, बहादुरी की गल है। बड़े टफ उत्थे दा मामला सी, जिहड़ा कि उत्थे गोलीबारी चल रही सी, तो जिहड़ा कि दस्या जा रहा कि काफ़ी हजे बच्चे उत्थे भी, इन्हां दी एक दोस्त है वह भी उत्थे रह गई है, बाकी हौली हौली बच्चे पहुँच रहे हैं, सरकार का भी धन्नवाद किया है। बाकी दी अपडेट दी जुड़े रहो सक्रोल दे नाल, कैमरामैन पंकज शर्मा दे नाल, सौरव अरोड़ा रिपोर्ट, धन्यवाद।